आज तारीख थी, उसमें बहस हुई हमारे नेता राकेश शुक्ला जी द्वारा मांग की गई कि जो हमारा प्रकरण चल रहा है उसमें जामा मस्जिद वाली जो जामा मस्जिद की सीढ़ियां हैं उनके अंदर हमारे अध्यक्ष केशव देव जी की मूर्ति गड़ी हुई है। जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है जब तक उन सीढ़ियों पर आवागमन रोका जाए ताकि हमारे आराध्य केशव देव जी मूर्ति का अपमान ना हो, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। साथ ही हनुमान सेना मांग करती है कि जब तक मामले में न्यायालय में विचाराधीन है जब तक उन सीढ़ियों पर रोक लगनी चाहिए। और इसी मामले को लेकर आगरा के अंदर संत समाज भी इकट्ठा हो रहा है। आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी भी 25 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम आगरा में सेक्टर 11 की फील्ड पर किया जा रहा है। आगरा के सभी सनातनियों को जागरूक करने का काम सम्मान सेना द्वारा किया जा रहा है। सभी सनातनी जागरूक हों और इस मामले में आगे आएं और हमारे आराध्य केशव देव जी की मूर्ति को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से निकालकर पुनः मथुरा में स्थापित करें, यही हमारा प्रण है। आवागमन पर रोक लगाई जाए क्योंकि उसमें हमारे आराध्य केशव देवदीप की मूर्ति देवी हुई है, उस पर लोग चढ़कर जाते हैं, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम मांग करते हैं कि उस पर जो लोग आना जाना है उस पर प्रतिबंध किया जाए जब तक न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उसके उपरांत बहस हुई और 27 अक्टूबर की डेट उस मामले में मिली है। 25 अक्टूबर को आगरा में एक भव्य आयोजन आदरणीय देवकी नंदन महाराज जी को बुलाकर किया जा रहा है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे वो। और आगरा के सभी सनातनियों को जागरूक कर एक मंच पर लाने का मामले में आंदोलन हनुमान सेना द्वारा किया जा रहा है ताकि आगरा के सभी सनातनी जागें और इस मुद्दे को आगे होकर बढ़कर आगे आएं और हमारे जो आराध्य केशव देव जी की मूर्ति आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गड़ी है उसको वहां से निकालकर पुनः मथुरा के मंदिर में स्थापित की जाए, यही हमारी मांग है। 25 तारीख को संत समाज इकट्ठा होगा। 25 तारीख को संत समाज